Hi, welcome guys. It's me, Supercars Aim Shah here. आज हम आपको दिखाने वाले हैं Mercedes-Benz E220D. ये है गाड़ी की चाबी. आप देख पा रहे होंगे कितनी एलिगेंट लगती है ये गाड़ी की चाबी. Alright, so welcome to showcase this car. आइए देखते हैं इस गाड़ी में कितने फीचर्स अवेलेबल हैं. तो जैसा कि बात करते हैं इस गाड़ी की, so we can see this massive grill. ये Mercedes की massive grill with Mercedes monogram over here. These are the sensors. ठीक है. On hood पे भी बात करते हैं, तो we have a monogram. You can see how excellent it looks like. So बात करें इसकी headlight की, you can see, come here. You can see these headlights. You know, these are running DRLs. All right, these are running DRLs and adaptive LED lights इसके अंदर projected है. Mercedes-Benz का इसके अंदर logo आता है, right? So normal गाड़ी में आपको मिलते हैं 3 to 4 sensors, but in these car you get multiple sensors, जिसकी ज़्यादा safety होती है. तो बात करते हैं इसके अदर फीचर्स की जो हम देख पाते हैं इस गाड़ी के अंदर. सो इस गाड़ी की बात करें तो वी गेट दीज टायर्स एंड अलॉयज व्हिच इज इन सिल्वर एंड मेटालिक फिनिश. नाउ दिस इज 17-inch अलॉय व्हील विद ह्यूज डिस्क इनसाइड इट. यू कैन सी दिस कार साइड प्रोफाइल. नाउ यू कैन सी दीज क्रोम गार्निश फ्लोटिंग फ्रॉम द फ्रंट टू बैक, जो पूरा पैनल कवर्ड करती है दोनों डोर का. बहुत ही एलिगेंट एंड एक्सलेंट लुक देती है. सो नाउ यू कैन सी द बैक ऑफ दिस कार. जो आप देख पा रहे हैं कितनी ही मैसिव एंड मस्कुलर बैक लुक देती है. सो अल्ट्रा लग्जरी दिस कार इज. नाउ आई जस्ट अनलॉक दिस कार. यू कैन सी दीज इंडिकेटर्स, राइट? इसमें एलिमेंट जो यूज करे है ना, यू कैन सी द एलिमेंट जिस जो रिफ्लेक्शन देती है आपको. दीज आर स्मॉल पैटर्न्स एलईडी यूज इनसाइड इट व्हिच इज फ्लोटिंग टुवर्ड्स होल इन द लाइट. इसके अंदर बैजिंग आ जाती है Mercedes-Benz की. दीज आर द सेंसर एंड कैमरा यहाँ पर है. विल शो यू द कैमरा. जब गाड़ी को ऑन करेंगे सिस्टम विल पॉप अप दिस कैमरा आउट. ओके, तो बात करें इसकी बम्पर की. बम्पर यूटिलाइज 3 कलर्स. वन इज वाइट, ब्लैक, जो मेन गाड़ी का कलर है वाइट ब्लैक, और ये हमारी मैटे फिनिश में क्रोम. दीज आर नॉट द एक्चुअल डिफ्यूजर. दीज आर जस्ट आर्टिकल शोज और ये जो हमारे मतलब कॉस्मेटिक्स टाइप ऑफ डिफ्यूजर्स हैं. नाउ आई विल शो यू द ट्रंक ऑफ दिस कार. देखिए, अब मैं इसको बटन को प्रेस करता हूँ, इस की को, और ये हो गया हमारा ट्रंक ओपन. तो सर ट्रंक की बात करें तो इसमें 500 लीटर का ट्रंक है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है आपका स्पेयर व्हील. ये आपका स्पेयर व्हील आ जाता है. इस साइड होगी आपकी टूल किट, राइट? और बाकी और गाड़ी में कुछ ट्रंक में दिखाने के लिए नहीं है. दीज आर स्मॉल स्पेसेस अवेलेबल, यूटिलाइज कर सकते हैं सामान रखने के लिए. ये हो गया हमारा हुड क्लोज. यहाँ पे लाइट मिल जाती है. ये कैमरा पॉप अप कैमरा है और ये हो गया हमारा ट्रंक क्लोज. सो अब हम आपको दिखाने वाले हैं इस गाड़ी का इंटीरियर. अब इंटीरियर की बात करूँ तो इट्स सिमिलर टू एस क्लास, जो आपको ई क्लास के प्राइस में मिलती है, राइट? इसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं जो आप एस क्लास से कंपेयर कर सकते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द सीट्स, बैक सीट्स, फ्रंट सीट्स, आर सो मेनी फीचर्स अवेलेबल. मल्टीपल स्क्रीन्स आर अवेलेबल इनसाइड विद जॉयस्टिक. सो अब हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं. ये आ गया मैं गाड़ी के अंदर. सो मैं दिखाने वाला हूँ आपके उसके फीचर्स. सो कम हियर एंड आई विल शो यू टू ऑल फीचर्स व्हाट आर अवेलेबल इनसाइड दिस कार. नाउ वी आर इन दिस Mercedes-Benz इनसाइड. हम आपको दिखाने वाले हैं इसका स्टेयरिंग व्हील. यू कैन सी द स्टेयरिंग व्हील, कितना ही मैसिव एंड अल्ट्रा लग्जरी काइंड ऑफ अ स्टेयरिंग व्हील है. यू कैन ये गाड़ी का जो स्टेयरिंग व्हील है ये एस क्लास में आता है, जो इसके अंदर इनबिल्ट हुआ हुआ है. अब बात करते हैं इसके फीचर्स की. सेंटर कंसोल में आपको दो स्क्रीन्स मिल जाती हैं, वन ऑन द लेफ्ट और वन ऑन द राइट. दिस इज टच स्क्रीन, राइट? एंड यू कैन सी दिस इज टच स्क्रीन, बट दिस इज नॉट. दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. नाउ आई विल शो यू द ऑप्शंस. अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इफ आई क्लिक हियर, ओके, दीज ऑप्शंस, ट्रिप, रेडियो, आई कैन, यू नो, कैन सी द स्टाइल्स. नाउ आई कैन चेंज द स्टाइल्स. लेट्स से इट्स स्पोर्ट. नाउ दिस इज अ स्पोर्ट मोड, राइट? देयर आर मल्टीपल फीचर्स हियर. दिस इज फॉर क्रूज कंट्रोल, दिस इज फॉर रीसेट सेट, राइट? एंड दिस इज फॉर कैंसल. नाउ इफ आई क्लिक ऑन होम, ये हो गए हमारे मल्टीपल ऑप्शन. ऐसे एक तो ये हो गया हमारा गियर लीवर, ठीक है? ये हो गया हमारे गाड़ी न्यूटन में. ये हो गया ड्राइव वन, बट दिस इज फॉर रिवर्स. नाउ यू कैन सी द रिवर्स. अब रिवर्स में आप देख पा रहे हैं आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ टायर्स. ये मूव होंगे यहाँ पर, ठीक है? यू कैन सी. और बात करें इसके व्यू की, यू कैन सी दिस व्यू. दिस इज अ एक्सपोजर व्यू. This is for more, right rear, wide angle, and drive forward for surge parking space. Okay,
सो देयर आर मल्टीपल फीचर्स. अब हम बंद कर देते हैं इसके रियर व्यू की. हम डी में इसको डाल रहे हैं. अब इसको पी पे इसको पार्क कर दिया है. ठीक है, दिस कार इज पार्क नाउ. यू कैन सी दिस फ्लोटिंग लाइन विद द एम्बेड लाइटिंग. ये एम्बेड लाइटिंग यहाँ से यहाँ तक यहाँ फ्लोट कर रही है. यू कैन सी दिस राइट. राइट, बात करें इसके सेंट्रल कंसोल की. सेंट्रल कंसोल में हमें चार ब्लोअर सेंटर में मिलते हैं, वन ऑन लेफ्ट वन ऑन राइट. छह ब्लोअर आपको फ्रंट में मिलते हैं और इसको आप सेपरेटली सेट कर सकते हैं इन ब्लोवर्स को. ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आपको. दिस बटन फॉर लेफ्ट, दिस बटन फॉर राइट. और ये हो गया नेविगेशन के लिए. दिस इज़ फॉर रेडियो. ठीक है, दिस इज़ फॉर पार्किंग लाइट्स. बात करें, दिस इज़ नोन एज अ जॉयस्टिक. राइट, आई कैन यूटिलाइज दिस इफ आई क्लिक ऑन होम. सी दीज ऑप्शंस. राइट, बात करें इधर डायनामिक्स की. ठीक है, दीज आर द मोड फॉर कार. किस मोड में आप गाड़ी को चलाना चाहते हैं, कंफर्ट मोड में, स्पोर्ट मोड में, इको ड्राइव में. इको ड्राइव फॉर द माइलेज एफिशिएंसी. अगर मैं यहाँ पुश करूँ तो ये हमारा आर्मरेस्ट ओपन हो गया. आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस मिल जाती है, प्लस हमें सी टाइप यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, तो लेटेस्ट सब सब गाड़ियों में आता है. अगर डैशबोर्ड की बात करें, यू कैन सी द डार्क कॉफी कलर. ये आपको दिख रहा है विनियर, वुडन विनियर यूटिलाइज है पूरा गाड़ी के अंदर. यहाँ यहाँ इतना ही अल्ट्रा लग्जरी इसकी लुक देता है. बात करें इसके डैशबोर्ड की अपर लेयर की, दिस इज अ डार्क कॉफी कलर अगेन. जो लेदर रैप अराउंड है, सी दिस स्टिचिंग. ऑलराइट, यही चीज आपको यहाँ पे भी मिलेगी डोर पे. दोनों लेफ्ट पीछे आगे दोनों डोरों पे, चारों डोरों पे आपको मिलेगी. आपको लेदर रैप अराउंड डोर्स मिलेंगे. सो नाउ यू कैन सी दीज ऑप्शन फॉर द लाइट्स. राइट, ये हमारा हाई बीम लो बीम, थोड़ा नीचे डाउन एंड अपवर्ड साइड के लिए ऑप्शन हो गया. दिस इज फॉर फॉग लैंप्स. दीज आर फॉर द ऑटो एंड ऑल ऑप्शंस. अब आप देख पा रहे हैं ऑन द पैनल ऑन द डोर, ये देख पा रहे हैं आप ब्रूमास्टर्स के स्पीकर्स. राइट, ये हमारा मेमोरी सेट करने के लिए सीट आ गए. ये ऑप्शंस आ गए फॉर बैक एंड आई. ये हमें एडजस्टमेंट हो गए, सीट एडजस्टमेंट्स. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास विंडोज कंट्रोल्स आ गए. ये चाइल्ड लॉक हो गया और ये हमारे ऑप्शंस हो गए फॉर फर्दर ऑप्शंस. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक बूट का ऑप्शन आ जाता है. ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका सनरूफ ओपन करके. यू कैन सी ये जो है हमारा पैनारामिक सनरूफ, कितना ह्यूज वाइड एंगल के साथ आपको पूरा विजन दिखता है इसके अंदर. पूरी विजन, पूरा ही आपको क्या सीनरी दिखती है यहाँ से, कितना अच्छा लगता है. लाइट इन होती है यहाँ से. राइट, ऑलराइट गाइस, तो अब हम दिखाते हैं आपको सेकंड रो इस गाड़ी की, कि इसमें कितने ज़्यादा फीचर है. आइए, हम इसके बैठने वाले हैं सेकेंड रो में. तो यू कैन सी कितना ही अल्ट्रा लग्जरी इसका इंटीरियर है. सो आई स्टार्ट विद द डोर. गाड़ी के अंदर जैसे आपको दिख रहे हैं, दीज आर द साइड ब्लाइंड्स. ऑलराइट, साइड ब्लाइंड्स यहाँ पे मिल जाते हैं. मेमोरी सीट 1, 2, 3 तीन नंबर मिलते हैं इसके अंदर सीट चेक करने के लिए. दीज आर द ब्लू मास्टर स्पीकर्स अगेन इन द बैक प्लस स्पीकर. अगेन लेदर रैप अराउंड आपको इसका दरवाजा मिल जाता है. ये क्रीम में, क्रीम बेज कलर. एंड दिस इज द कॉफी अगेन. दिस इज वुडन रिफाइंड यूटिलाइज विनियर इन दिस. ओके, आई विल जस्ट हॉप इन दिस कार नाउ. And I'll sit. Now you can see how I am sitting in this car. So comfortably I am sitting. बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर leg space है, thigh space, each and everything is properly balanced. आप देख पा रहे हैं मतलब कितना मज़ा आ रहा है सीट के अंदर बैठ के. तो I'll just close this door. अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी की रियर सीट पे. आई विल शो यू द ऑल फीचर्स यार, कि कितने सारे पैनल पे फीचर्स अवेलेबल हैं. सो मैंने आपकी ये बंद कर दी अपनी साइड विंडो. इफ आई प्रेस दिस अगेन, ये हो गया हमारा ऑटोमेटिक कर्टन ब्लाइंड बंद. बात करते हैं सनरूफ की. आई कैन ऑल्सो ऑपरेट सनरूफ फ्रॉम हियर. इससे होता है हमारा बटन से सनरूफ यूटिलाइज. देख सकते हो ये कितने कूल फीचर है, कि भाई आप एक लेफ्ट साइड पे बैठ जाओ और यू कैन सी गाड़ी को पूरा आप ऑपरेट कर सकते हैं. आपको कोई दिक्कत नहीं कि भाई आपको फ्रंट सीट पे बैठना है, क्योंकि इसे कहते हैं अल्ट्रा लग्जरी कार. ड्राइवर के साथ आप शॉपर साथ आके बैठ के चले और पूरी गाड़ी में सारा आनंद लेते चले. ये हमारी हो गई वैनिटी लाइट्स ओपन. ये हो जाता है अपना अपना हैंगर टांगने के लिए हो जाता है. और पिलर पे आपको ये आपको पिलर पे एक ब्लोअर मिल जाता है एक्स्ट्रा. अच्छा, जैसा कि इस गाड़ी के अंदर टू जोन क्लाइमेट कंट्रोल आगे था एंड टू जोन क्लाइमेट कंट्रोल बैक साइड पे. यू कैन सी दीज ऑप्शंस. ये हमारा लेफ्ट एंड राइट के लिए दोनों ऑप्शंस हैं. ये छोटी सी स्पेस हमारी चिंटू मिंटू स्पेस मिल गई, जिसमें टू नॉट इवन सिंगल टू सीट टाइप आपको यूज मिल जाती है. एक कप होल्डर मिल जाता है. ओके, एंड अब मैं दिखाता हूँ इसमें एक्स्ट्रा स्पेस. ये हो गया हमारे पास आर्म रेस्ट के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस, जिसके अंदर एक और सॉकेट है फॉर सीट टाइप. Another thing,
दिस इज अ वायरलेस चार्जर. अच्छा मेरा फ़ोन तो आ ही नहीं रहा है, मेरा फ़ोन ज़रा ज़्यादा बड़ा है, आईफोन ही आएगा इसके अंदर, बाकी दूसरे फ़ोन आ जाएंगे जो छोटे साइज़ में होंगे. ऑलराइट, अब बात करें इसके, हम ये हो गया हमारा टैब, प्रेस किया टैब बाहर आ गया. नाउ यू कैन सी दिस टैब जिसके अंदर हम गाड़ी पूरी ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा होम बटन. ठीक है, ये हमारे रिमोट कंट्रोल से आते हैं. यू कैन सी मैं यहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ, वहाँ भी चेंजेस हो रहे हैं. सी हो गया हमारा फ़ोन, ये हमारा रेडियो, सेंट्रल कंसोल. ओके, लाइटिंग में हम यहाँ से कलर चेंज कर पा रहे हैं. सी ऑन द डोर्स. सो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ वापस. ये हो गया हमारा वापस सेट, इसको ऑफ कर देते हैं, इसको क्लोज कर दिया हमने. ये हो गया थर्ड पर्सन के लिए हेडरेस्ट. नाउ तीन लोग बहुत कंफर्टेबली इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं. मैं यहाँ बैठ गया, अगर ज़्यादा स्पेस की दिक्कत है तो. वैसे तो दो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस इसमें अवेलेबल है, बट थर्ड किसी पर्सन को बिठाना तो इसको ऊपर आर्मरेस्ट को ऊपर करके आराम से बैठ सकता है. तो गाड़ी में आप फीचर देख रहे हैं, अल्टीमेट फीचर्स आर अवेलेबल. ठीक है, जो आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है. तो जैसे कि आप देख पा रहे थे इस गाड़ी के, मैंने आपको स्पीकर दिखा दिया. इसमें ब्रू मस्टर के स्पीकर मिलते हैं, मर्सिडीज स्पेशली ब्रू मस्टर के स्पीकर लगा देती है अपनी गाड़ी में, कुछ जो आपके हाई एंड मॉडल्स होते हैं. तो ब्रू मस्टर के स्पीकर दो आगे दो पीछे प्लस ट्विटर के साथ आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, प्लस राउंड सिस्टम इसके अंदर मिलता है मल्टीपल. और इसकी बात करें व्हाट वी से एयरबैग्स, एयरबैग्स भी इसके अंदर 6 एयरबैग्स हैं, विद कर्टन एयरबैग्स, पिलर एयरबैग्स, स्टोर एयरबैग्स, फ्रंट विद स्टेयरिंग एंड डैशबोर्ड एयरबैग्स. तो मल्टीपल एयरबैग्स आर अवेलेबल इनसाइड दिस कार. और ये गाड़ी बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी से कह सकते हैं, ऑलमोस्ट एस क्लास से थोड़ी सी ही छोटी इसकी लेंथ एंड विड्थ है. तो बात करें अगर इफ यू कैन नॉट बाय एस क्लास बट यू स्टिल वॉन्ट दोज फीचर इन दिस कार जो छोटी सेगमेंट में है उससे, तो ये सेगमेंट आपको एस क्लास की पूरी फील देता है. तो अब बात करते हैं इस गाड़ी की डील की. ठीक है भाई, तो ये गाड़ी अवेलेबल है आपको सिटी मोटर्स पे, जिसका नंबर है 8087337. इसको नोट कर सकते हैं, वहां कॉल कर सकते हैं और ये गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं. ये गाड़ी है E220D एक्सक्लूसिव मॉडल, टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, 2021 का मॉडल, जो मात्र 8K चला हुआ है, विच इज 8000. तो 8000 कुछ होते नहीं है नई गाड़ी में, बहुत मतलब आप मिंट कंडीशन की नई गाड़ी से समझ सकते हैं. जो इसका मेन प्राइस है, जो प्राइस इसकी आस्किंग प्राइस है जो सिटी मोटर्स रखा है, विच इज 69,95,000. ये नेगोशिएबल प्राइस है, आप आएं चेक करें गाड़ी, फीचर चेक करें, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लें एंड यू कैन बाय दिस कार. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैं कहूँगा इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करके. Thank you for watching this video and have a wonderful day and namaskar.